ऐसा लाइव के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, खबरों को जानने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही साथ फेसबुक पेज को आप लाइक जरूर कीजिए। आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। SN Live, सच सबसे आगे। सिवान में राखी बांधने जा रही नाबालिग से गैंगरेप, उठाकर झाड़ियों में ले गए चार लड़के, किया दुष्कर्म, प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान। सिवान में एक नाबालिग लड़की के साथ चार युवकों ने गैंगरेप किया। वह अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी, इसी दौरान रास्ते में चार दरिंदों ने उसे अगवा कर लिया और सड़क किनारे झाड़ी में ले गए। इसके बाद बारी बारी से उसके साथ रेप किया। इस दौरान लड़की चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। चारों उसे नोचते रहे। अचानक रास्ते से गुजर रहे स्कॉर्पियो सवार शख्स ने लड़की की चीख सुनी तो झाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। उसे देखकर चारों युवक फरार हो गए। पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई है, उसके प्राइवेट पार्ट पर जख्म है। फिलहाल पुलिस उसे किसी से बात करने नहीं दे रही है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। स्कॉर्पियो सवार ने स्थानीय लोगों की मदद से पीड़िता को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत फिलहाल ठीक है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद थानेदार पंकज दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। हिरासत में एक आरोपी, पुलिस लड़की का मेडिकल करवा रही है। पुलिस के अनुसार गैंगरेप की बात सामने आ रही है, कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। पीड़िता के बयान पर पवन कुमार, अंकित कुमार, इमामुद्दीन, दिनेश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इनमें से एक को छापेमारी कर हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मामा के घर पर रहती है पीड़िता। वहीं पीड़िता के बयान पर भगवानपुर हाट बथाना निवासी पवन कुमार, अंकित कुमार, इमामुद्दीन, दिनेश कुमार के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित अपने मामा के घर रहती है, परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क सुनसान होने के कारण आसपास नशेड़ी और मनचले युवकों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके कारण स्कूल आने जाने वाली लड़कियों को वो परेशान करते रहते हैं। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर